गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं वो टाइम आपके लिए शुभ हो। मैं इसके धीमान और आप देख रहे हैं शपिंग सर्विस जो कितना नगर बिकॉज आई लाइक डिफरेंट। तो फ्रेंड, आज हम आ चुके हैं लड़भड़ोल और यहाँ पे कर रहे हैं हम फिटिंग और दिखाते हैं आपको फिटिंग। यहाँ पे माता के मंदिर पे हमने जो है 500 लीटर की टंकी को इंस्टॉल किया हुआ है और साथ में यहाँ पे चार टैंक से चार नलके हमने दिए हुए हैं जो कि हमारे पानी पीने के लिए, और साथ में यहाँ पे भंडारा वगैरह लगता रहता है मंदिर पे। तो उसके बाद जो है खाना खाने के बाद जो है हाथ हाथ और मुंह धोने के लिए जो है यहाँ पे हमने जो है एक लंबा बाथ बेसिन लगाया हुआ है और साथ में उसमें चार नलके दिए हुए हैं। तो दिखाते हैं आपको फिटिंग और पूरी की पूरी फिटिंग दिखाते हैं आपको, शुरू में हमने कैसे काम किया और बाद में हमने जो है पूरे टाइलें लगने के बाद जो है फिनिशिंग करके आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो वीडियो में पूरे बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें शपिंग सर्विस जोगिंद्रनगर बिकॉज आई लाइक डिफरेंट। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे और तो शुरुआत करते हैं इस मंत्र से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखिए फ्रेंड, हम पहुँच चुके हैं मंदिर पर और ये हमारा मंदिर है, माता का मंदिर, माँ माया का मंदिर लड़भड़ोल पर। तो यहाँ पर वाटर कूलर रखा हुआ है देखिए साइड में, जो कि 300 लीटर की टंकी रखी हुई है। साथ में जो पोस्टर लगा है ये महामाया माता मंदिर लड़भड़ोल, इसके नीचे हम जो है नलके वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे लगेंगे हमारे चार नलके, जो कि यहाँ पे लंगर वगैरह चलता रहता है। तो लंगर खाने, हाथ मुंह धोने के लिए और पानी पीने के लिए यहाँ पे हम चार नलके लगाएंगे और साथ में यहाँ पर हमारा बड़ा बाथ बेसिन बनेगा। और इस जगह पर देखिए यहाँ पर हम एक ब्लैक टंकी रखी हुई है, यहाँ पर हम एक टंकी दूसरी और रखेंगे जो कि हमारी 500 लीटर की टंकी होगी। तो आइए लेके चलते हैं वीडियो पे और देखिए वीडियो।
अब जो है हमने यहाँ पे नलके वगैरह लगा लिए हैं और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इनको प्लग कर दिया है। उसके बाद जो है हम लगाएंगे टाइलें और टाइलें लगाने के बाद जो है फिर से हमारा काम स्टार्ट होगा और हम जो है यहाँ पे नलके वगैरह और कनेक्शन वगैरह जो है वो कर देंगे। तो मिलते हैं टाइलों के बाद। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारी टाइलें जो है वो लग चुकी है, जो कि हमने जो है ब्लैक कलर की टाइलें लगाई हुई है और नीचे जो है पाँव रखने के लिए भी जगह बनाई है जिसमें हमने वुडन टाइलें लगाई हुई है। तो देखिए हमारे जो नलके हैं वो यहाँ पे प्लग किए हुए हैं और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है इसकी। और अब लगाएंगे हम इनमें नलके और जाले वगैरह और दिखाते हैं आपको वीडियो। तो देखिए, बन रहे वीडियो पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिव प्लम्बिंग सर्विस, जोगिंदर नगर। तो देखिए, हमने जो है अब जाली काट ली है। जाली काटने के बाद जो है हम यहाँ पे ब्लैक सीमेंट लगाएंगे, जो कि हमारी गरोट है। अब लगाएंगे हम यहाँ पे जाली। तो जाली लगाने के लिए हमें या तो वाइट सीमेंट लगाते हैं या तो फिर गरोट लगाते हैं। यहाँ हमारी टाइल जो है ब्लैक कलर की है, तो हमें ब्लैक कलर की गरोट लगाना पड़ेगी। टाइल गरोट लगाते हैं, थोड़ी थोड़ी छीनी से करते हैं।
थोड़ा कठिन है। जाली काटेंगे, ये हमने फर्स्ट काट लिया जाली के लिए। और ये देखिए ग्रोथ है, जैसे ही मैं पानी में छोड़ रहा हूँ ये पारे की तरह चमक रहा है। देखिए पानी ब्लैक ग्रोथ है, देखिए इसको हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहेंगे ताकि गीला भी ना हो और सूखा भी ना रहे। लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे और हमारा पानी जो है सीधा जाली के अंदर ही जाए, पाइप के अंदर ही जाए। इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो हमारी जाली नहीं लगेगी। इसको हम हल्का हल्का रखेंगे पाइप से बिल्कुल रनिंग। Thank you.
डीप हो जाएगी। देखिए अब हमारे अगर आपने अभी तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शर्प प्लंबिंग सर्विस जोगिंद्रनगर, बिकॉज़ आई लाइक डिफरेंट।